खबर लखनऊ उत्तर प्रदेश से है। पारिवारिक न्यायालय बार एसोसिएशन प्रत्याशी महामंत्री ज्योति शुक्ला ने अपर मुख्य सचिव की तरफ से जारी शासनादेश पत्र में अधिवक्ताओं पर गढ़ टिप्पणी को लेकर कहा कि अधिवक्ताओं के लिए जो टिप्पणी की गई है या शासनादेश जारी है, इसकी आड़ में हम अधिवक्ताओं का अपमान किया गया है। इसके पीछे मंशा अधिवक्ताओं को स्वतंत्रता को छीनना है। अपर मुख्य सचिव द्वारा प्रदेश के अधिवक्ताओं के बारे में अपमानजनक जो बातें लिखी हैं, इसे वापस लिए जाने के लिए लखनऊ जनपद सभी बार एसोसिएशन पदाधिकारी में रोष व्यतीत। इसके लिए धरना प्रदर्शन विरोध जताया जाएगा। साथ ही हम समस्त अधिवक्ताओं समाज अधिवक्ता के लिए प्रयोग गलत टिप्पणी का आलोचन करता है। जी, मैं अजय शर्मा, अधिवक्ता, उपाध्यक्ष पारिवारिक न्यायालय बार एसोसिएशन लखनऊ। सर, आज जो अधिवक्ताओं को लेकर के जो एक बयान आया था, उस पर मीटिंग हुई, अधिवक्ताओं ने ज्ञापन भी दिया, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? जो अधिवक्ताओं को लेकर बयान आया था वो बिल्कुल भी अशोभनीय था, जिसके कारण कई अधिवक्ता, हमारे पूरे अधिवक्ता समाज में बड़ा आक्रोश है। अधिवक्ता जो होता है, पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति माना जाता है समाज में, और उनके लिए ऐसी टिप्पणी करना बड़ी अशोभनीय प्रकट करता है प्रशासन द्वारा। और ऐसा जो मैसेज जाता है समाज में कि जो अधिवक्ता समाज होता है वो सबके लिए अपनी तरफ से न्याय के लिए लड़ाई करता है, जब वो अपने ही लिए अनसिक्योर महसूस करेगा तो क्या करेगा? उसके पास एक ही होता है कि हम अपना लिखित के तौर पे ज्ञापन दें, अपनी बात कह सकें, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे वर्ग समाज करते हैं, कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते हैं, सिर्फ बता सकते हैं। आज इस प्रकरण दिया है, बिल्कुल बहुत सही दिया प्रकरण का जवाब, और जिसमें हमारी बार पारिवारिक न्यायालय सभी बारों को, सेंट्रल बार, लखनऊ बार और जितनी बार हैं समस्त उत्तर प्रदेश में, जिन जिन ज्ञापन दिए उनको समर्पित किया। परिचय दीजिए आप। मैं ज्योति शुक्ला, एडवोकेट, पारिवारिक न्यायालय बार एसोसिएशन लखनऊ से वर्तमान में महामंत्री पोस्ट पर प्रत्याशी हूँ। अधिवक्ताओं को लेकर के जो मुद्दा है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपके पूरा क्वेश्चन आप बताइए। जो अधिवक्ताओं को लेकर के टिप्पणी की गई है, बयान आया है, तो उस पर आज ज्ञापन भी दिया गया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, जो प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से 15 मई 2022 को अवनीश अवस्थी जी द्वारा दिया गया है, उसकी बात आप कर रहे हैं, उसके विश्लेषण में ये हम कहना चाहेंगे कि ये जो टिप्पणी की है, एक शासनादेश जारी किया है, ये शासनादेश की आड़ में हम अधिवक्ताओं का अपमान किया है उन्होंने पूर्ण तरीके से, और उसके पीछे उनकी जो दूषित मंशा है वह यह है कि अधिवक्ताओं के स्वतंत्रता को छीनना चाहती है हमारी गवर्नमेंट, क्योंकि अधिवक्ता एक स्वतंत्र कार्यकर्ता है, समाज सेवक भी होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप अधिवक्ता को बंधक बना लेंगे, उस पर उसको बाउंड कर देंगे, तो वह स्वतंत्र रूप से फिर आपको न्याय नहीं दिला पाएगा, वो किसी के दबाव में नहीं रह सकता है, न्यायालय के भी दबाव में नहीं, न्यायालय अपना कार्य करती है, अधिवक्ता अपना कार्य करता है, अधिवक्ता अपने पक्ष में अपने एक मुवक्किल का पक्ष निष्पक्ष रूप से, प्रभावी रूप से, चाहे वो सही है गलत है, वो अपना न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है। यदि हमारे दिमाग पर ही कोई दूसरा नियंत्रण करेगा तो हम अपनी बात स्पष्ट रूप से या अगले की बात कैसे कह पाएंगे? तो हमारी स्वतंत्रता पर वार करना, धीरे धीरे उसको छीन लेना, ये उस षड्यंत्र का एक हिस्सा है, जिसके परिप्रेक्ष्य में दिनांक 15 मई ही है शायद, अगर मैं सही बोल रही हूँ, को अवनीश कुमार अवस्थी जी द्वारा, जो कि प्रशासन में अपर मुख्य सचिव हैं, गृह अपर मुख्य सचिव गृह हैं, जिन्होंने ये जारी किया है, और ये बहुत ही निंदनीय है, जिसकी हम लोग पूरी तरीके से भर्त्सना करते हैं, और हम सभी बारे मिलकर इसके विरुद्ध आंदोलन किए हुए हैं। इस आंदोलन को जिस लेवल पर भी जाने की नौबत आएगी, ले जाया जाएगा, जिसके लिए हम सभी लोग प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, और इसे उन्हें इस शासन को वापस लेना ही पड़ेगा। मिस्टर एडवोकेट, महामंत्री, राजस्व बार एसोसिएशन कमिश्नर लखनऊ, आज सेंट्रल बार एसोसिएशन में एक आम सभा आयोजित की गई थी, जिसमें अवनीश कुमार अवस्थी जी अपर मुख्य सचिव गृह द्वारा प्रदेश के अधिवक्ताओं के बारे में अपमानजनक बातें लिखी थीं, जिसको वापस लिए जाने के लिए हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया है और विरोध प्रदर्शित किया है, और यदि भविष्य में सोमवार तक का समय है उनके पास, यदि वो चाहें तो
ये अपमानजनक बातें अपने पत्र से वापस ले लें, अन्यथा हम लोग आगे भी आंदोलन करते रहेंगे, आंदोलन जारी रहेगा। जय अधिवक्ता, जय अधिवक्ता समाज।